नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। फांसी के फंदे से लटका मिला महिला कांस्टेबल का शव। कानपुर नगर के बर्रा फेज टू के रहने वाले धर्मेंद्र साचन की बेटी रुचि साचन महिला कौशाम्बे सुसाइड केस सिपाही थी। वह वर्ष 2019 बैच की महिला आरक्षी थी। उसकी तैनाती कड़ा धाम कोतवाली में थी। इन दिनों उसकी ड्यूटी कड़ा धाम मेले में लगी हुई थी, लेकिन रविवार को वह ड्यूटी करने नहीं गई थी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। महिला सिपाही ने जब परिजनों का फोन उठाना बंद कर दिया तो परिजनों को उसकी काफी चिंता होने लगी। रात तकरीबन 8:30 बजे महिला आरक्षी के पिता धर्मेंद्र सचान ने थाने में बात किया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी महिला आरक्षी के कमरे गए तो उसके कमरे का दरवाजा भीतर से बंद मिला। कई बार आवाज देने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से अंदर झांक कर देखा। महिला आरक्षी का शव फंदे पर लटक रहा था। मौके पर एसपी एवं सीओ फील्ड यूनिट टीम के साथ कौशाम्बे सुसाइड केस पहुंचे, लेकिन दरवाजे का ताला तभी तोड़ा गया जब महिला सिपाही के परिजन कमरे पहुंचे। ताला तोड़ने के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा गया। घटना की सूचना पर मृतक महिला सिपाही के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।